हेलो गाइस, तो आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो है नीमा जापान का छोटा सा ग्राइंडर। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। तो शुरू करते हैं रिव्यू। ये छोटा सा जो है, ये देख लें आप लोग, ये सिर्फ ग्राइंडर है, ठीक है। ये इसका कवर है, तो ये वाटरप्रूफ नहीं होता, इसलिए जो है ये इस तरह से है, क्योंकि इसको मैं कवर करके रखती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप हैंडी ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब फ़ौरन किचन में जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, ठीक है। तो ये मैंने इसका स्विच लगाया हुआ है। तो ये इसके अंदर एक ये है कटर, ठीक है। और ये बहुत ही हैंडी आपको फील होता है ना, ठीक है। ये बहुत ही हल्का सा भी, बहुत ओवरवेट भी नहीं है। और इसको ये है कि आपने, अगर आपके पास कोई चीज़ ग्राइंड नहीं है पड़ी हुई और आपने फ़ौरन से ग्राइंड करनी है, वैसे भी रेगुलर यूज़ के लिए, क्योंकि ये जो है 300 400 ग्राम तो कर ही देता है ग्राइंड ना, मतलब ज़्यादा एक वक्त में 200 300 ग्राम तो कर ही देता है। 400 तो चलो ज़्यादा हो गया, लेकिन 200 300 तो कर ही देता है। आप 400 तक भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से करें तो, ठीक है। और इसका ये है कि आपने जब इसको यूज़ करना है, तो अगर ये थोड़ा चल जाए तो आपने इसको बंद करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हीटअप ना हो। अंदर से देख लें इसकी स्पेस, ठीक है। और ये इसका कवर है, ये ऐसे लगता है, फिर आप उसको थोड़ा सा घुमाते हैं तो ये टाइट अप हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें ज़ीरा ग्राइंड करके दिखाती हूँ, ठीक है, फिर हम और इसके बारे में बात करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया थोड़ा सा, ये देखें अभी कम ही डाला है, इसमें और भी डाल सकता है यहाँ यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया है, और इसका जो है अब मैं लॉक लगा के ये बटन ऑन करते हैं यहाँ से। ये जनाब, मैंने अभी टाइट बंद नहीं किया, मैं इसको टाइट बंद कर दूँ। इसको पकड़ के भी रखना होता है, ठीक है। तो मैंने ग्राइंड कर लिया, अब मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ इसका कवर। ये देखें, ये ज़ीरा है हमारा, मैंने वैसे कम डाला था, आप लोग ज़्यादा डाल भी सकते हैं इसमें। तो ये देखें, ज़ीरा हमारा ग्राइंड हो गया है। तो ये जो ग्राइंडर बहुत बहुत हैंडी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, कॉम्पैक्ट से है, आप लोगों की किचन की बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। और ये मैंने मंगवाया था दराज से, ये तकरीबन 2 साल इसको हो गए, ये मैंने 1200 का मंगाया था। तो इसके साथ एक छोटा सा जग भी होता है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जग्स तो हमारे पास बड़े होते हैं, ज़्यादातर हमें ज़्यादा बड़े जग की ज़रूरत होती है, तो मैंने यही निकाला हुआ है। तो ये अब जो है आप लोगों को 1500 तक का भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, और 2000 तक का भी मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर लगा मुझे कॉम्पैक्ट सा। तो ये था हमारे नीमा जापान का रिव्यू। तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।